सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज़, आज हम लोग जाने वाले हैं डेलीकेंट, और उसके बारे में आपको मधु बताएगी, क्योंकि वो एनसीसी में है और मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो मधु बताएगी। तो मैं फ्रेशर हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, लेकिन इतनी नॉलेज है कि वहाँ मैं मतलब कि वहाँ पर ना सारी आर्मी से रिलेटेड सारी जो ड्रेसेज होती है, शूज़ हो गए, ये सारी चीज़ वहाँ मिलती है। तो वही डीएम लेने जा रही हूँ आज मैं। तो हम खुद भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उस मार्केट में। तो गाइज, हम लोगों को भी इतना पता नहीं है तो क्या क्या मिलता है वहाँ पे, तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। गाइज, फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे आ गए। तो गाइज, जैसा कि आप सब देख रहे हो, यहाँ से अपनी मार्केट स्टार्ट होती है। जितनी भी आपको शॉप्स दिख रही है यहाँ पे, ये सभी मार्केट है। तो हम अंदर चल के देखते हैं उन शॉप में क्या क्या सामान है, वो हम सब आपको दिखाएंगे। बाकी आप वीडियो में ऐसे ही बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करनी ही है। बाकी ये वाली शॉप जो है, इसमें चल के हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या सामान है इसमें। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितना भी है फौजी आर्मी जो होते हैं उन्हीं का सामान आपको मिलेगा। आर्मी में जो भी शूज़, बेल्ट, कैप वगैरह, ये देखो कैप आपको दिख रही होंगी, सब कुछ आपको, बैग्स जितने भी होते हैं सब आपको वहाँ पर बहुत ही लो प्राइस में मिल जाएगा। तो गाइज़, आप देख सकते हैं, जैसा कि आप डीएम शूज़ देख रहे हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है इसकी। और जो ये मतलब इसकी पॉलिश है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रखी है, और ये पहनने में ज़्यादा घिसते भी नहीं है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। बाकी गाइज़, इसके शूज़ के बारे में आपको भैया बताएंगे। ये पूरा लेदर का है, बूट जो पूरा लेदर का है, नीचे रबड़ को लगी है, और कॉस्मो कंपनी का है ये, एकदम से फ्रेश के लेदर में बना होता है। इसकी जो पॉलिश भी होती है बहुत अच्छी तरीके से होती है, अगर लोकल लेते हो तो उसमें इतनी पॉलिशी और फिनिशिंग नहीं आएगी। जैसे दूसरा देखोगे ना, लोकल में, लोकल दिखाना ये लोकल, ये लोकल है, इसमें जो है इतनी फिनिशिंग होती नहीं है, ऐसे रफ लेदर होता है, इसमें फिनिशिंग भी होती है पूरा जो है। दोनों हाथ में लेके दिखाना, ये कंपनी का है, ये लोकल है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जैकेट्स भी है जिनके बहुत ही लो प्राइस है, आपको ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या हुआ? शॉप तो ढूंढी, किसे पूछो, इससे पूछना, ये बैठे कौन? ये अरे बताइए यार। तो गाइज़, फाइनली इस मार्केट के बारे में मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ही बेस्ट मार्केट है, आर्मी फौजी वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सामान हो वो आपको इजीली मिल जाएगा, आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी शॉप आपको मिलती है उसमें आपको एक शॉप में आपको सारा सामान मिल जाए। तो गाइस, यहाँ पर सारे सामान है, कैप भी है, और ये आप जैकेट, यहाँ पे सारी कैप, जैकेट, मतलब जो भी आप लेना चाहो सब मिल सकता है। तो ये कोस्को की, और ये मतलब कोस्को कंपनी की ना काफ़ी अच्छी आती है ना, मतलब हाँ क्वालिटी अच्छी होती है इनकी, शॉल वगैरह जल्दी घिसते भी नहीं है, ये अच्छे होते हैं। बात नहीं,
तो गाइस फाइनली हमने अपने डीएम शूज ले लिए हैं। अब इस मार्केट के बारे में मधु आपको थोड़ा बहुत बताएगी अपना एक्सपीरियंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान तो काफ़ी मतलब सही, तो रेट भी मैंने सही दिए, कुछ मतलब महंगा महंगा नहीं दिया सही दिए, जो मैम ने बताया था उस रेट में दिया है। और मिल गया जो हमें चाहिए था, मतलब मार्केट के बारे में कैसी है मार्केट? अच्छी, यहाँ पर तो सारी चीज़ें मिलती है, मतलब आर्मी से रिलेटेड जो भी हमें चाहिए ना इजिली हर चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, कुछ ना ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ पर आकर। तो गाइस हमने शूज ले लिए हैं। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, आपको व्लॉग कैसा लगा वीडियो में बताना मत भूलना। तुम्हें का जो भी सामान होता है ना आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है? हाँ। और जो मतलब इसका हाँ, और जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान मत होना और मेरे को मैसेज कर देना अगर किसी को ना समझ आए तो। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।